जब हम बात करेंगे भगत सिंह और अंबेडकर की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, जब हम बात करेंगे संविधान की, तो मुझे लगता है इन सब का तकाजा यह है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, आप कल को प्रोफेसर बचेंगे या नहीं बचेंगे, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हम तो पढ़ लिख करके यहां तक आ गए, 300 रुपये फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 5000 रुपये में पूरी पीएचडी कर डाली दिल्ली विश्वविद्यालय से, तब जाकर के हम यहां खड़े हो गए और 12 साल से एडहॉक प्रोफेसर ठेके पर प्रोफेसर बने हैं। मैं जानता हूं कि अगर हम आज ये नहीं बोले तो कल को न तो ये 300 रुपये फीस किसी विश्वविद्यालय की होगी और न हमारे जैसा कोई व्यक्ति गांव के खेत खलिहान से निकलकर मजदूरी और किसानी करने के बाद आकर के किसी विश्वविद्यालय में न तो रिसर्च कर सकता है न प्रोफेसर बन सकता है। इसका दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। इस शिक्षा नीति ने क्या तय किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, नो एजुकेशन फॉर पीपल, नो एजुकेशन फॉर पुअर, ये इसका नाम है। इसलिए मैं इसको नई शिक्षा नीति नहीं कह रहा हूं। जिस दौर में संविधान के खिलाफ हर काम संवैधानिक तरीके से करने का दावा किया जा रहा हो, झूठ को इतनी बार बोला जा रहा हो कि सच लगने लगे, उस दौर में जरूरत इस बात की है कि वक्त के सच को इतनी बुलंदी से बोला जाए कि या तो वो सच इस देश के आम आवाम को समझ में आ जाए या हुक्मरानों को समझ में आए कि वो जेल भेजना शुरू करें। इसलिए जेल भेजना हमारे लिए तमगा है। प्रोफेसर रतनलाल बैठे हुए जेल से लौट कर आए हैं, और जो यहां नहीं लौट के आ पाए, मैं वैसे प्रोफेसर हनी बाबू और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को याद करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूं। उमर खालिद, और कोर्ट ये कहता है आज भी कि उमर के भाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसे आतंकवादी बात कही जा सके, फिर भी वो जेल में होंगे। प्रोफेसर हनी बाबू ने तो कोई पोस्ट भी नहीं लिखे थे। प्रोफेसर रतनलाल ने कोट किया अपनी बात, लेकिन प्रोफेसर रवि कांत ने लखनऊ विश्वविद्यालय में तो किताब को कोट किया था, उनके ऊपर कैंपस में घुस करके गोली मारो जूता मारो का नारा लगाया गया। जिन लोगों ने प्रोफेसर पर हमला किया वो बाइज्जत बरी है, और प्रोफेसर सच बोलने के जुर्म में FIR झेल रहे हैं। हम उस दौर में खड़े, कैंपसों पर हमला हो रहा है, JNU को इतना बदनाम किया गया, और प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो फेल हो गए UPSC में उनके साथ हमारे सिंपथी है, जो पास हो गए उनको बधाई दे रहा हूं। और उसी JNU से पढ़ी हुई गीतांजलि श्री जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाती है तो कोई भी ट्वीट उनका नहीं आता है। और उससे भी ज्यादा विरोधाभास इस बात का कि UPSC क्रैक करने वालों को बधाई देने वाला प्रधानमंत्री लेटर लेटर लाकर के बिना परीक्षा दिए कुछ लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रहा है, ऐसे विरोधाभास के दौर में हम खड़े हैं। तो इस देश में 1 जनवरी 2020 तक लगभग 83% प्रोफेसर, 82.82 शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है, यानी खाली है। 93.98% शेड्यूल ट्राइब की पोस्ट प्रोफेसर की खाली है। 96.65% प्रोफेसर की पोस्ट OBC की खाली है। 85.71% पोस्ट PWD यानी विशेष रूप से सक्षम लोगों की पोस्ट खाली है। एसोसिएट प्रोफेसर में जाएंगे तो लगभग 90-95% की रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी बहुत भर्तियां हो पाई, ये ITI हमने लगाई, और हम कहा ये मांग करने वाले थे कि जितने खाली पद हैं कम से कम उनको तो भरो जो सैंक्शन पोस्ट होती है, और हर बार के बजट में उनका बजट एलोकेशन होता है, वो लोग भले उनकी डिग्रियां फेक हो लेकिन वो साजिश करने में माहिर है, इसलिए जितने खाली पद थे उन्हें खत्म करने की पॉलिसी बना दी और उसका नाम दिया नई शिक्षा नीति 2020। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न बचेंगे ये खाली पद और न
और ये बात मैं बोल रहा हूं, मतलब जो आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ठेके पर प्रोफेसर हूं, एडहॉक टीचर हूं। देश भर के लोग समझते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और मुझे पता है कि जितना बोल रहे हैं उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। जब प्रोफेसर छोड़िए वाइस चांसलर और प्रिंसिपल झंडे वाला से तय हो रहे हो, वो हमारे आप को देख करके जब कुलपति ही विचारधारा देखकर बनाए जा रहे हैं, तो नियुक्तियां किस आधार पर होंगी, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे भगत सिंह और अंबेडकर की, जब हम बात करेंगे शिक्षा की, जब हम बात करेंगे संविधान की, तो मुझे लगता है इन सब का तकाजा यह है कि बिना डरे इस बात के लिए सच बोला जाए कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, आप कल को प्रोफेसर बचेंगे या नहीं बचेंगे, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि कल को भारत का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हम तो पढ़ लिख करके यहां तक आ गए, 300 रुपया फीस थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, 5,000 रुपए में पूरी पीएचडी कर डाले दिल्ली विश्वविद्यालय से, तब जाकर के हम यहां खड़े हो गए और 12 साल से एडहॉक प्रोफेसर ठेके पर प्रोफेसर बने हैं। मैं जानता हूं कि अगर हम आज ये नहीं बोले तो कल को न तो ये 300 रुपए फीस किसी विश्वविद्यालय की होगी, और न हमारे जैसा कोई व्यक्ति गांव के खेत खलिहान से निकलकर मजदूरी और किसानी करने के बाद आकर के किसी विश्वविद्यालय में न तो रिसर्च कर सकता है न प्रोफेसर बन सकता है। इसका दस्तावेज का नाम है नई शिक्षा नीति, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। इस शिक्षा नीति ने क्या तय किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, नो एजुकेशन फॉर पीपल, नो एजुकेशन फॉर पुअर, ये इसका नाम है। इसलिए मैं इसको नई शिक्षा नीति नहीं कह रहा हूं। किस बात की शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या, ढेर सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी कही है। इन्होंने कहा कि हम बोर्ड एग्जाम के दबाव को कम करेंगे, हम क्रेडिट सिस्टम लाएंगे, और स्कूल का जो पूरा पैटर्न था सेकेंडरी मिडिल प्रिपरेटरी और फाउंडेशन के नाम पर बदलेंगे, आंगनबाड़ी के लोगों और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के दबाव को कम करेंगे। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत खुदाई हो रही है, उसी खुदाई से निकली गई चीज को पढ़ने के लिए प्रोफेसर रतनलाल जेल में गए, और कोर्ट ने यह कहा कि अरे भाई तय ही नहीं है कि वो है क्या और तुम उसके नाम पर जेल में भेज रहे हो। उस प्रदेश में शिक्षा के हाल ये है कि एक नई पॉलिसी बनाई गई, एक तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर को समय पर सैलरी नहीं दी जाएगी, और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल का मास्टर पढ़ाए न इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इतना काम उसके ऊपर दे दिया गया है, कोई गणना करानी है तो कराओ, वैक्सीन लगानी है तो लगाओ, कोई काम सरकारी आदेश आया गांव गांव जाओ पढ़ाने के, इधर सारे काम करेंगे। और उनका एक फरमान बेहद खतरनाक है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी कम हो गए वहां से टीचर सरप्लस हो गए, ज्यादा हो गए, तो दूसरे विद्यालय में उसी स्कूल के टीचर को भेज दिया जाएगा, यानी नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। फिर भी भर्ती हुई पिछले कार्यकाल में 69,000 शिक्षकों की भर्ती, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उसमें आरक्षण को खत्म करके भर्ती की गई है, 27% आरक्षण की बजाय 3.81% आरक्षण ओबीसी को मिला। बहुत दिन तक सरकार उसको टालती रही, बाद में जब मान लिया कि हाँ गलती हुई हमसे, फिर भी उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ऐसे शिक्षा घोटाले में आज भी जेल में है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज पूरे देश में वहां पर उत्तर प्रदेश में नारा लगा रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, तो काशी और मथुरा भी जाग रहे हैं, वो उकसा रहा है कि मंदिर और मस्जिद की सियासत चलती रहे। इसलिए मैं ऐसी शिक्षा नीति की आलोचना कर रहा हूं। त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई, अरे त्रिभाषा फार्मूला कहां से लागू होगा जब उनके भाषा सीखने की जो पूरी क्राइटेरिया उसको कम कर दिया, कोडिंग सिस्टम किया, क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी, यानी एक स्ट्रीम नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको कई तरह की कलाकारियां सिखाई जाएंगी। मुझे याद आता है जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, हमारे देश में 3 कानून लाए गए थे, 3 कृषक सुधार कानून, 3 श्रमिक सुधार कानून और नई शिक्षा नीति। श्रमिकों के ट्रेड यूनियन बर्बाद कर दिए गए, इसलिए वो भी कानून पास हो गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षक संगठन और तमाम छात्रों को कमजोर कर दिया गया, इसलिए लड़ाई भी कमजोर है। लेकिन किसान समझ गए कि वो तीनों कानून उनके सुधार के नहीं है, वो उनके फसलों और नस्लों को बेचने वाले कानून है, इसलिए उन्होंने सड़क पर
हंगामा किया और तीनों कानून वापस हुए। मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति इसलिए वापस हो जानी चाहिए क्योंकि वो आपके फसलों नस्लों के साथ आपके बच्चों के भविष्य को करने वाली है।